हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह का गुड मॉर्निंग और कुछ शायरी अर्ज के साथ ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कर गुजरने की चाह में हम कहाँ कहाँ से गुजरे, अकेले ही नजर आए हम जहाँ जहाँ से गुजरे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, चलते हैं मुंह धोते हैं। और आज का ब्लॉग भी कुछ खास होने वाला है। बिस्तर उस्तर सब लोग, हाँ मतलब कि सब बिस्तर उठा के, मतलब अपना बिस्तर उठा के मुंह धो के फिर आपको मिलते हैं। और अभी तो मान भी मुंह धो रही है, स्कूल जाएगी, स्कूल जाएगी। बिस्तर उस्तर उठा दिया है और मुंह धोने जा रहा हूँ। फ्रेश व्रेश होकर ट्यूशन के निकलते हैं। तो फोन आ रहा है दोस्त का, तो निकलते हैं, मिलते हैं आपको ट्यूशन से आके। आ गए और ये है हमारी रोज रॉयल। लगता है कुमकुम आज स्कूल नहीं गई, मान भी गई है। सुबह तो कह रही थी जाऊंगी जाऊंगी यार, नहीं गई। मम्मी खाना खा रही है तो मैं भी चलता हूँ, खाना ना खाऊं। सुबह खाना खाया नहीं था, खाना मैं खा के फिर आज का टास्क रेडी करते हैं, देखते हैं आज का कौन सा टास्क है। तो हमारा टास्क उतना सिंपल नहीं है, उसमें कोई इनाम तो मिलेगा नहीं क्योंकि पैसे तो नहीं है। जितने पैसे थे वो ओवर टास्क में ख़त्म हो गए। तो जिस दिन पैसा होगा उस दिन खतरनाक टास्क सुझा जाएगा। बाकी हाँ, कल का ब्लॉग खतरनाक होगा। कल के ब्लॉग में, कल क्रिसमस है ना, तो मज़ा आएगा। तो अभी खाना वाना खा के आपको मिलते हैं और टास्क रेडी करते हैं। शायद इनाम भी रख सकता हूँ। तो आप देखने, टास्क देखने के लिए और चैलेंज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग देखने के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए। खाना वाना खा लिया और ये लोग धूप सेक रहे हैं। तो आज कुछ टास्क सूझ नहीं रहा, पर मैं जब खाना खा रहा था ना तब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया था। जैसे कि आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 10 ग्राम चावल के दाने गिन लिया जाए। मतलब कि 10 ग्राम माप के उसके चावल के दाने कितने होते हैं, 10 ग्राम में चावल कितने होते हैं, दाने कितने होते हैं, वो गिनते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। हमारे घर में तराजू अवेलेबल है, तो ये हमारा दुकान है, फिलहाल के लिए अभी बंद है। तो ये तराजू है, हमने तराजू ला दिया है और तराजू ले लिया है फ्रेंड्स। अब बाट की जरूरत है, तो बाट मेरे पास 10 ग्राम का नहीं है। तो हम लोग 1-1 रुपये का जो सिक्का है वो 2 सिक्का यहाँ पर रखेंगे। और एक एक सिक्के का वजन होता है, 1 रुपये का एक सिक्के का वजन होता है 5 ग्राम, 2 सिक्के 10 ग्राम। और चावल का दाना मापना है, मतलब गिनना है। देखते हैं 10 ग्राम में कितने चावल के दाने आते हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिया है सिक्के 1-1 रुपये के, आप देख सकते हैं। और इसको हम यहाँ रखते हैं तराजू में, कुछ इस तरह से तो लेंगे। चलो चावल डालते हैं और देखते हैं कि 10 ग्राम चावल में कितने दाने होते हैं, आते हैं। तो देखते हैं, हमने चावल भी डाल दिया और ये देखिए कांटा बराबर हो गया है। तो हम देखते हैं कितने चावल के दाने आए हैं इसमें, 10 ग्राम में कितने चावल के दाने आए हैं। तो गिनते हैं, अब इसे निकालते हैं बाहर और गिनते हैं। फ्रेंड्स, हमने 10 ग्राम चावल ले लिया है, अब उसके दाने की काउंट डाउन शुरू करते हैं। 10 ग्राम चावल के दाने में, 10 ग्राम चावल में कितने दाने होते हैं, उसके बाद हम आगे का ब्लॉग बनाएंगे। ये मेरे दिमाग में थिंकिंग आ रहा था, 10 ग्राम 1 किलो का तो मापने में बहुत देर लग जाएगा। 10 ग्राम चावल है और गिनना स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी तक हमने चावल के दाने 400 गिन लिए हैं, ये 400 दाने। अब ये देखते हैं कितने दाने हैं इसमें, 10 ग्राम में अभी 400 दाने गिन लिए हैं। अच्छा, अब ये कितने हैं ये हम गिनते हैं। तो 401, 402, 403, 405, 405, 406। तो
अभी तक हमने 600 दाने गिन लिए हैं, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89,
ग्राम में 700 का दाने गिन लिए हैं और कुछ दाने बचे हुए हैं, तो देखते हैं ये कितने हैं। तो ये 3 गिन लिए थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। हाँ, तो ये टोटल हो गए जी। हमने पूरे गिन लिए हैं, 815 दाने होते हैं 10 ग्राम चावल के अंदर। 115 दाने दीदी। ओ दीदी बताओ, 10 ग्राम चावल के अंदर ना 815 दाने होते हैं। तो ये सब तराजू इसके स्थान पे पहुंचा देते हैं, और ये एक एक रुपये का सिक्का, एक सिक्का 5 रुपये का होता है, मतलब 5 ग्राम होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, या यकीन नहीं होता तो माप के देखना। एक सिक्का 5 ग्राम का होता है, 1 रुपये का सिक्का। तो हमने तो गिन लिया है, अब इसको भी रख देते हैं अपने स्थान पे। और इन लोगों को अब दोपहर भी हो गया है ना, तो नींद उन लग रहा होगा दोपहर का। तो मान भी अभी तक नहीं आई है, लगता है अभी स्कूल में उसका छुट्टी नहीं हुआ। तो कुमकुम आज स्कूल नहीं गई थी, तो ये कुमकुम सोई हुई है, गेम खेल रही है। तो राजू को इसके स्थान पर रख देते हैं। ये सो फ्रेंड्स, ये गेम, ये टास्क अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे जो टास्क होते हैं, ये उठपटांग तो लगते जरूर हैं, पर ये थिंकिंग की बात होती है। जो हम अनाज खाते हैं, वो अनाज का कितने, मतलब कि कितना दाना हम लोग खा चुके हैं, कितना दाना हम खाते हैं, ये भी तो हमें पता रहना चाहिए। और रहा बात 1 किलो का, तो भाई 1 किलो में तो बहुत बहुत लंबा पड़ जाता है। 10 ग्राम में आप देख सकते हैं 815 दाने लिखे हैं मेरे काउंट से। आप लोग अपना काउंट करेंगे तो आप में भी कुछ अधिक होगा, कम होगा, अधिक होगा, हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार काउंट करके देख लीजिए, ठीक। और आगे का ब्लॉग बनने वाला है, अच्छा लगे तो लाइक करें। और ना ये टास्क कुमकुम का या नाम मानवी के बीच में था, ये मैंने सोचा मैंने काउंट कर देता हूँ यार, आज कुछ अलग किया जाए, हटके किया जाए, उठपटांग किया जाए, उठपटांग चीज़ बनाई जाए, ताकि आप लोगों को हंसी भी आए और अच्छा भी लगे ब्लॉग देखने में। तो फ्रेंड्स यार, प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है, प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक, प्लीज़। हम जा रहे हैं अपने दोस्त को कॉफ़ी देने खानपुर, और अभिषेक आया हुआ है तो इसके संग जाएंगे। तो अभी तो टाइम हो गया, 4 बज गए हैं। उसकी सुबह कॉफ़ी लिया था ना, कॉफ़ी मेरे बैग में डाल था इसमें, तो इसी में कॉफ़ी रह गया उसका। मांग रहा था उसका आना, यहाँ पर आ नहीं पाया, तो कॉफ़ी ऊपर निकाल के फिर चलते हैं, उसको देते हैं। ये है मेरे पास कुछ उसकी कॉपी, नोटबुक, तो इसको देने चलते हैं। तो मान भी झाड़ू लगा रही है, ये कुमकुम आप जा रहे हैं कॉपी देने। दीदी बर्तन मार रही है। हमारे गांव का लोकेशन आज देख लो, कुछ ऐसा है, मस्त लग रहा है। अभिषेक देख यार, लोकेशन देखो। हाँ तो फ्रेंड्स, ये अभिषेक कह रहा है इसका आधार कार्ड बनवाया, बनवाने जाना है। तो अभी तो बंद है दुकान, चलेंगे सोमवार को, मंडे को। और अभी फ़िलहाल हम अभिषेक के साथ जा रहे हैं अपने दोस्त प्रदीप के घर, क्योंकि ये कॉपी रह गया था नोटबुक, तो उसको पहुँचाते हैं, क्योंकि मेरे झोले में डाल दिया था उसने, बैग में डाल दिया था। तो मिलते हैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को सोच रहा होगा कि ये पैदल क्यों जा रहा है, साइकिल से भी तो जा सकता था, पर मैंने सोचा यार पैदल चलते हैं, थोड़ा हरियाली भी देख लेंगे। साइकिल मोटरसाइकिल में उतना मज़ा नहीं आता ना जितना पैदल जाता है,
आपको पीछे से कैमरा दिखाते हैं, हाउस अक्सर मेरे वीडियो में रहता है ब्लॉग में, और ये बांस का पेड़। हम आ चुके हैं प्रदीप घर, और ये कुछ बैर के पेड़ लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल इसमें बैर तो लगे नहीं हैं, लग जाएंगे तो फिर तोड़ के ले जाएंगे। हसन से ऐसे लग रहा कि ख़तरनाक हो रहा हो। चलते हैं, ये लोग कैमरे से दूर रहते हैं लोग तो। फ्रेंड्स, मैंने प्रदीप के घर उसके कापी पहुंचा दिया है, नोटबुक। तो हम जा रहे हैं अब घर, अंधेरा होने ही वाला है तो मिलते हैं। मेरा बहुत हो चुका है और ठंड भी काफ़ी हो रही है, ओस गिर रहा है, तो अब बाहर जाना भी ना वेला, खतरे से खिला है, मतलब खतरों से खाली नहीं है। तो कल मिलते हैं कल सुबह, और आज का ब्लॉग अच्छा लगा लगा होगा, लगा तो होगा ही, तो मिलते हैं कल सुबह।